रक्षाबंधन आने वाला था, लेकिन रक्षाबंधन से ठीक 15 दिन पहले हितेन का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि हितेन अपने घर में सबसे छोटा था। हितेन ने अपनी माँ से कहा, माँ अभी तक दीदी क्यों नहीं आई? उन्हें आपने फोन किया था ना? हाँ बेटा, तुम्हारे जीजा जी के साथ ही आएगी, सीधे ऑफिस से, बस आने ही वाली होगी। हितेन की बहन महक की शादी 5 साल पहले हुई थी, तब हितेन 8 साल का था। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए तभी से वह अपनी बहन को हमेशा फोन पर बोलता था कि दीदी मेरा मन नहीं लगता, आप कब आओगे? अब सामने हितेन की बहन और जीजा जी भी आ गए। वह अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गया। फिर महक ने केक कटवाया। केक काटने के थोड़ी देर बाद ही हितेन ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? आपने कहा था पापा मेरी साइकिल लाएंगे, जो मैंने कहा था। बेटा बाद में ले आएंगे, अभी पापा को याद नहीं रहा। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अभी अपनी नई साइकिल चाहिए। हितेन बहुत जिद्दी था। दरअसल उसके पिता के काम में बहुत नुकसान के कारण बहुत कर्ज हो चुका था, पर फिर भी अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। यह बात उसकी माँ और बहन को अच्छी तरह से पता थी। हितेन की बहन ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने उसकी भी बात ना सुनी और दोनों का झगड़ा हो गया। हितेन अपनी बहन से भी सबके सामने बदतमीजी से बात करने लगा। जैसे तैसे झगड़ा खत्म हुआ और फिर अगले दिन महक भी अपने ससुराल चली गई। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे से नाराज थे। रक्षाबंधन भी आने वाला था। कुछ दिनों बाद हितेन को अपनी बहन की याद आने लगी। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले हितेन ने अपनी बहन को मैसेज किया, दीदी मम्मी ने आपको मैसेज करने के लिए कहा है। मम्मी कह रही है कि आप रक्षाबंधन पर घर जरूर आना। क्यों, तू नहीं चाहता कि मैं आऊं? ऐसा क्यों कह रही हो आप? मैं चाहता हूं कि आप आएं, सच्ची। फिर ऐसा क्यों कहा कि मम्मी ने कहा है? आप मुझसे नाराज है ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरे बुलाने से आप ना आए। मैं तो रोज तुझे ऑनलाइन देखती थी और सोचती थी कि तू आज बात करेगा, आज बात करेगा, लेकिन तूने बात ही नहीं की। तुमने भी तो नहीं की दीदी। मुझे लगा कि तू नाराज है, पता नहीं मुझसे बात करेगा कि नहीं। सच में दीदी मुझे भी यही लगा कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने उस दिन सबके सामने तुम्हें पलट कर जवाब दे दिया था। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं पगले, तू मेरा भाई है, हम भाई बहन के अटूट रिश्ते से बंधे हुए हैं। लेकिन तुम्हें उम्र का लिहाज तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, आखिर मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हें सबके सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यदि वही बात तुम मुझे अकेले में कहते, फिर चाहे बेशक लड़ ही क्यों ना लेते, मुझे इतना बुरा ना लगता। सॉरी दीदी। हितेन, हम अपने आपस की बातें जितने अधिक लोगों के बीच ले जाएंगे, हमारा रिश्ता उतना ही कमजोर होता जाएगा। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इस नाते यदि तुम सबके सामने मुझे सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान ही मिलेगा। आप एकदम सही कह रही हैं दीदी, बाद में मुझे भी बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक आप जीजू के साथ जा चुकी थी। आई एम वेरी सॉरी दीदी। अच्छा अब सॉरी बोलना बंद कर और बता कि मैं इस बात के लिए कौन सी मिठाई लाऊं, और तू मुझे क्या गिफ्ट दे रहा है। हितेन रो पड़ा। काफी देर तक ऑनलाइन तो रहा, लेकिन कुछ ना लिख सका। आज की व्हाट्सएप चैट ने दोनों के दिलों की नाराजगी मिटा दी थी। ये चैट दोनों को फिर करीब ले आई। हितेन तू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, अब क्या हो गया? हितेन कुछ नहीं दीदी, आज मेरे दिल का सैलाब आंखों के बांध पार कर गया। तुम बस जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा आना ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट मिठाई है। मिस यू दीदी। ओह हितेन, मिस यू टू मेरे छोटू, मैं जल्दी से आ रही हूँ। फिर रक्षाबंधन के दिन महक अपने छोटे भाई हितेन को राखी बांधती है और इसके लिए एक साइकिल भी लेकर उसे देती है। हितेन कहता है, दीदी गिफ्ट तो मुझे देना चाहिए आपको, और आप मेरे लिए ही गिफ्ट लेकर आ गई। तू बड़ा हो जा मेरे छोटे भाई, फिर तू गिफ्ट दे देना।
अब बहन की आंखों से सैलाब फूट पड़ा था। भाई बहन का रिश्ता होता भी तो ऐसा ही है। दोनों बचपन से ही लड़ते झगड़ते हंसते खेलते हुए बड़े होते हैं, लेकिन मजाल है कि उनके दिलों में रत्ती भर भी मलाल आ जाए